وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا الكتاب والحساب وقنا العذاب إنك على كل شيء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة
عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللَّهُمَّ رَبِّ زِدْنِي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حضور آئے تو صرف زیش پا گئی دنیا. حضور آئے تو صرف زیش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا سنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. وہ آئے جن کے آنے سے پہاڑوں میں نکھار آیا. تڑپ تھی جن کے سینے میں وہ آئے تو قرار آیا. محمد مصطفیٰ آئے امام الانبیاء آئے. ملی رفعت مسلمہ کو ایمانوں میں وقار آیا. سامعین محترم, آج بارہ رب الاول ہے. رب الاول کا آج مہینہ اس کے بارہ تاریخ ہو چکی ہے. ہر شخص اپنے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے. میں انشاءاللہ الرحمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے جو اصول تھے ان میں سے ایک حدیث پاک آپ کو سنانا چاہتا ہوں.
अल्लाह के पैगंबर सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी 17 साल आगा की उम्र थी, 17 साल। सत्रह साल की उम्र में आका अलैहिस्सलाम मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ़ फरमा थे कि एक ताजर मक्का मुअज़्ज़मा में तिजारत की गरज से आया। जब वो मक्का में पहुंचा अपना तिजारत का माल लेके, तो मक्का में डाकुओं ने उसे लूट लिया। जब डाकुओं ने उस ताजर का सारा सामान लूट लिया, वो ताजर बजाय इसके कि अपने घर को वापस जाता, वो सहने बैतुल्ला में आ गया और वहाँ आके वो बा आवाज़ बुलंद कहता है, ए बैतुल्ला, अगर मैं यहाँ भी महफूज नहीं हूँ तो बता मैं कहाँ महफूज हूँ। कि अल्लाह का घर जिसका सारे एहतराम करते थे, हत्ता के मुशरिकीन मक्का भी एहतराम करते थे, उसने कहा अगर मैं यहाँ भी महफूज नहीं हूँ तो बताओ मैं कहाँ महफूज हूँ। वो चीख रहा था, वो चिल्ला रहा था, शोर मचा रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आवाज़ सुन ली, उसके पास आए, पूछा क्या मामला है। उसने बताया कि इस तरह मैं अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाने आया था, मक्का में फलां मुकाम पे मेरा सारा सामान लूट लिया गया। नबी इस्लाम ने, ये ज़हन में रखिए साहब, उम्र थी 17 साल, 17 साल उम्र। नबी इस्लाम ने मक्का के कुरैश के बड़े बड़े सरदार इकट्ठे कर लिए, जमा करके उनसे कहा, देखो आपकी मौजूदगी में, आपकी सरदारी के होते हुए यहाँ अगर ताजर आए और महफूज उनका माल ना रह सके तो ये मामला ठीक नहीं है। हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा, हमें इस चीज़ को, हमें ताजरों को तहफ़ देना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ ताजरों को तहफ़ दें, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हम एक ऐसा एग्रीमेंट साइन करें, ऐसा मुआहदा करें जिसके तहत हम मज़लूम के साथ खड़े हो जाएं और ज़ालिम को हम ललकारें, ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। कोई बंदा भी आइंदा किसी पर ज़ुल्म ना कर सके। मक्का के तमाम सरदारों ने इस बात पे इत्तेफाक कर लिया कि हाँ ठीक है, ऐसा भी एग्रीमेंट साइन होना चाहिए, ऐसा भी मुआहदा होना चाहिए कि जिस मुआहदे के तहत हम अपने कम से कम मक्का के अंदर तो लोगों की जान और माल को महफूज रख सकें। आइडिया था किसका? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उम्र कितनी थी? 17 साल। अल्लाह के पैगंबर की इस तजवीज़ पे सारे सरदारों ने इकट्ठ कर लिया और कहा ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। ये सारे सरदार अब बेबस लोगों को खाना खिलाना, मुसाफिरों का ख्याल रखना, ताजरों की हिफाजत करना, उनके माल की हिफाजत करना, मज़लूम के साथ खड़े होना, ज़ालिम के ख़िलाफ़ डट जाना, ये सारे मुत्तफ़िक थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो उम्र थी 40 साल।
17 से 40 कितने साल हुए, 23। 13 साल के बाद मेरे नबी ने मक्का छोड़ा, मदीना मुनव्वरा चले गए। 23 और 13 36। मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के पैगंबर को तकरीबन 7-8 साल हुए थे और अल्लाह के पैगंबर अब कारकुन नहीं थे, अब लीडर थे। रियासत मदीना कायम हो चुकी थी, अल्लाह के पैगंबर रफाई काम, फलाई काम, वेलफेयर काम बहुत कर रहे थे। आज मेरे नबी सहाबा इकराम में तशरीफ़ फरमा थे और फरमा रहे थे, मेरे सहाबा वो एक मर्तबा मक्के के सरदारों ने मेरी तजवीज़ पर मिल के हल्फुल फजूल एक मुआहदा तय किया था, जिसके तहत मज़लूम का साथ देना, ज़ालिम का हाथ तोड़ देना। अगर आज भी कोई ऐसी तहरीक पैदा हो जाए, देखिए आज भी कोई ऐसी तहरीक पैदा हो जाए जो मज़लूम के साथ खड़ी हो जाए और ज़ालिम के ख़िलाफ़ डट जाए, मैं मोहम्मद अगरचे आज इस रियासत मदीना का अमीर हूँ, सरबरा हूँ, कायद हूँ, उस तहरीक का कारकुन होने की हैसियत से भी काम करने को तैयार हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सिर्फ एक हदीस पाक सहीह बुखारी से बयान करना चाहता हूँ। उम्र हो गई 40 साल, 40 साल, 40 साल की उम्र में अल्लाह के पैगंबर पे पहली वही नाजिल हुई, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लम अल इंसान मा लम यअलम। पहली मर्तबा इस अंदाज में जिब्रील आए और पहली मर्तबा इस अंदाज में दुआया, पहली मर्तबा कहा पढ़ो, फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता, पढ़ो नहीं आता। पहली वही थी, जिब्रील वापस चले गए, नबी अलैहिस्सलाम घर आए अपनी बीवी सैयदा खदीजा अल-कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास। या खदीजा खशीतु अला नफ्सी, मुझे डर लगता है, मुझे खौफ आता है, अल्लाह के पैगंबर का जिस्म कांप रहा था, सही बुखारी की रवायत, जिस्म कांप रहा था। या खदीजा जम्मिलोनी दस्सिरोनी खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपने जिस्म अपने नफ्स पे उसका खौफ आता है। सैयदा खदीजा अल-कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अभी उन्हें इलम नहीं था कि आप अल्लाह के रसूल हैं। पहले भाइयों खुतबा बड़ा गौर से सुनने वाला है, एक हदीस है पाक, बस 4-5 उसमें करने वाले काम है, यही असर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की इब्तिदा है। सैयदा खदीजा अल-कुबरा अभी जानती नहीं थी कि ये अल्लाह के रसूल हैं। वो तो जब अगले दिन अपने चचा के बेटे जो ईसाइयों का पादरी था वर्का भी नौफल उसके पास जब लेके गई है ना, तो उसने कहा काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब तेरी कौम तेरी ही बस्ती से तुझे निकाल देगी, तो अल्लाह का रसूल बन के आया। खदीजा को पता नहीं था कि अल्लाह का रसूल है, लेकिन रिसालत से पहले, नबुव्वत से पहले नबी इस्लाम में कुछ खूबियाँ थी जो हमें अपनानी चाहिए। सैयदा खदीजा अल-कुबरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा, आगा क्या पाता है, फरमाया खशीतु अला नफ्सी, मुझे डर आता है। सैयदा खदीजा के पास, ये पहली बात है समझने वाली कि नबी इस्लाम किसके पास आए हैं, अपनी बीवी के पास, परेशानी में टेंशन में इंसान को अपने बीवी के साथ ही सब कुछ शेयर करना चाहिए। सैयदा खदीजा ने क्या अल्फाज बोले, कल्ला वल्लाही ला युख़्ज़ीकल्लाहु अबदा, कल्ला अल्लाह के पैगंबर हर किस हो ही नहीं सकता,
वल्लाही अल्लाह की कसम नहीं हो सकता, ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी भी ज़ाया नहीं कर सकता। बीवी का कितना प्यारा अंदाज़ है अपने शोहर को हौसला देने का, कल्ला हो ही नहीं सकता। अगर वैसे ही कह जाती है अल्लाह का पैगंबर, कैसे हो सकता है कि अल्लाह आपको परेशान ज़लील कर दे, परेशान कर दे, नाउज़ बिल्ला, नहीं, कल्ला, पहले कहा कभी नहीं हो सकता, वल्लाह अल्लाह की कसम नहीं हो सकता। ला युख़ज़ी कल्लाहु अबदा, लफ्ज़े अबदा कहता है कभी भी हो ही नहीं सकता, अल्लाह आपको परेशान कर दे, अल्लाह को ज़ाया नहीं करेगा। खदीजा वो क्यों तुम इतने वसूख से कहती हो कि कल्ला हो ही नहीं सकता, वल्लाही अल्लाह की कसम नहीं हो सकता, ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा, वजह क्या है? सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पांच वजूहात बयान की, पांच वजूहात। और मैं ये समझता हूँ अगर हमारे अंदर वो पांच वजूहात, पांच खूबियाँ, पांच सिफात मौजूद हों, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा, कभी ज़ाया नहीं करेगा। और मैं अक्सर कहता होता हूँ कि अगर किसी ने बेहतरीन मुअल्लिम बनना है, बेहतरीन पड़ोसी बनना है, बेहतरीन शोहर बनना है, बेहतरीन बीवी बनना है, बेहतरीन औलाद बनना है, बेहतरीन मैनेजर बनना है, बेहतरीन बिजनेसमैन बनना है, किसी भी शोबे में उसने कामयाबी हासिल करनी है, अल्लाह से मदद चाहता है, ये पांच सिफात अपने अंदर ये पांच सिफात डाल ले, मजबूती से इनको पकड़ ले, अल्लाह उन्हें किसी मैदान में जलील नहीं करेगा। ये पाँच सिफात, ये सीरतुलनबी का ये मेरा यहाँ पहला और आखिरी जुमा है। मैं समझता हूँ कि ये पैगाम है, हम जाके अपने बच्चों को, बीवी को, सबको सुना दें, असल में सीरतुलनबी का पैगाम ये है, अल्लाह के पैगंबर कल्ला कभी हो ही नहीं सकता, वल्लाही अल्लाह की कसम नहीं हो सकता, ला युख़ज़ी कल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी ज़ाया कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप में पाँच खूबियाँ हैं, जिसमें ये पांच खूबियाँ होती हैं अल्लाह उसे कभी ज़ाया करता ही नहीं है, कभी नहीं। हाँ, मसाइल आते हैं, परेशानियाँ ज़िंदगी आती हैं, सर मुर्दे को तो लोग वैसे ही रास्ता दे देते हैं, तुम गुजर जाओ। रसूलुल्लाह ने बड़ी परेशानियाँ देखी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अल्लाह ने उनके मिशन को कभी ज़वाल नहीं होने दिया। आज भी अगर मैं यहाँ खड़ा खाल अल्लाह वकाल रसूल सुना रहा हूँ, आप मस्जिद में बैठे हैं और अमन से बैठे हैं, रसूलुल्लाह की मेहनत का असर है, अल्लाह ने उनको ज़ाया नहीं किया। खदीजा कौन सी खूबियाँ? पहली खूबी इन नकल तसिलुर रहीम, अल्लाह के पैगंबर आप रिश्तेदारियाँ जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। छोटी सी बात पर नाराज़ हो जाना, ये तुम उन्होंने बच्ची का रिश्ता नहीं था, छोटी सी बात पर नाराज़ हो जाना, अजीबो गरीब से मामला, इन नकल तसिलुर रहीम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिला रहमी अल्लाह के अर्श के साथ लटकी हुई है, जुड़ी हुई है, और वो रोज़ाना ऐलान करती है मन वसलानी वसल्लाह, जो रिश्तेदारियाँ जोड़ेगा, तुम ज़मीन पे ताल्लुक़ जोड़ोगे, अल्लाह के साथ मैं तुम्हारा ताल्लुक़ जोड़ दूँगा। इन्नक लतसिलुर रहीम, रिश्तेदारियाँ जोड़ो, क्योंकि उलाइक लज़ीना लअनहुमुल्लाह, जो रिश्तेदारियाँ तोड़ते हैं, भाई से नाराज़, बहनों से नाराज़, रिश्तेदारों से नाराज़, अजीज़ो अकारिब से नाराज़, और फिर ख्वाहिश है कि अल्लाह की रहमतें क्यों नहीं बरसती। कुरान कहता है फ़ाला सईतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ्सिदु फिल अर्ज़ि व तुक़त्तिउ अरहामकुम, उलाइक लज़ीना लअनहुमुल्लाह, जो ज़मीन पे फसाद फैलाती हैं, बहनों से नाराज़, भाइयों से नाराज़, रिश्तेदारों से नाराज़, अजीज़ो अकारिब से नाराज़, पड़ोसी इससे तंग है, मुलाजम इससे तंग है, मस्जिद का नमाज़ी इससे परेशान है, उलाइक लज़ीना लअनहुमुल्लाह, ऐसे लोगों पे अल्लाह की लानत बरसती है, रहमत नहीं बरसती। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला
मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाए, अल्लाह से दुआ करने लगे और दुआ इज्तमाई हो रही है और सारे सहाबाए किराम मौजूद हैं। अंदाज़ा करें, गौर करें, मस्जिद आम नहीं, मस्जिद नबवी है, दुआ करने वाले सहाबाए किराम हैं, दुआ करवाने वाले मुफस्सिर कुरान सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला दुआ करने लगे। तो पहले एक ऐलान करते हैं, ऐ मेरी मजलिस में बैठे मेरे भाइयों, आप में से जो भी अपनी बहन से, भाई से, रिश्तेदार से, अज़ीज़ो अक़ारब से, वालदैन से, बेटे बेटियों से अगर नाराज़ है, हमारी मजलिस से उठ जाए, उसकी नहुसत की वजह से अल्लाह हमारी भी दुआ रद्द कर देगा। और तो करें, दावा हमारा बड़ा पक्का है कि मरसूलल्लाह की आशिक है, ज़िंदगी कैसी है, रसूलुल्लाह के लैलो नहार जैसे हमारे लैलो नहार नहीं, उनके चेहरे जैसा हमारा चेहरा नहीं, उनके मामलात जैसे हमारे मामलात नहीं। हम आज के रसूल ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद, इंसान अपने आप को अपने अल्लाह के यहाँ फरोख्त करता है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह एग्रीमेंट है, अल्लाह आज के बाद मैं तेरा तो मेरा, मेरी ज़िंदगी का एक एक लम्हा, एक एक काम तेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगा, तेरी मर्ज़ी के मुखालिफ नहीं चलूँगा। एग्रीमेंट है अल्लाह से वादा करके ज़िंदगी मर्जी की गुजारना। पहले को भी सईदा खदीजा ने बयान की, कल्ला अल्लाह के पैगंबर हो ही नहीं सकता, वल्लाही अल्लाह की कसम नहीं हो सकता, ला युखजी कल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं कर सकता, क्योंकि आप में जो पांच खूबियाँ हैं, पहली खूबी है इन्नकल तसिलुर रहीम, आप सिला रहमी करते हैं, रिश्तेदारियाँ जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। हम कहते हैं बहनों से हिस्सा लेना है तो हिस्सा ले लो, भाई से नहीं मिलना, भाई एक चीज़ मिलनी है हिस्सा। सलफ सालहीन के नज़दीक सबसे बड़ा डाकू वो है जो अपनी बहन को, अपनी बेटी को हक नहीं देता। इन्नक लतसिलुर रहीम, सही बुखारी की रवायत है, जो बंदा किसी की ज़मीन पे एक बालिश कब्ज़ा करता है, अल्लाह रोज़े माशर उसे सात ज़मीनों में तनसा देगा, सात ज़मीनों में। हमारे तो यहाँ एक बालिश का तसव्वुर ही नहीं है बहनों के, हम पूरे पूरे हिस्से मार लेते हैं और नमाज पढ़ के समझते हैं कि हम वलीउल्लाह हैं। ये रसूलुल्लाह से मोहब्बत का सबूत है कि हम सिला रहमी ना कर सकें, अपनी बहनों के सर पर शक्वत का हाथ ना रख सकें, अपनी बेटियों को जहेज दे के विरासत से महरूम करते हैं, क्या ये मोहब्बत? इन्ना कल तसल्लु रहीम, पहला काम करने वाला है, रबीउल अव्वल का पैगाम है, यहाँ से जाएं, अपने रोते हुए रिश्तेदारों को मना लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना औलन नासि बिल्लाहि मन बदा बिस्सलाम, अल्लाह ऐसे लोगों से बहुत मोहब्बत करता है, बड़ा प्यार करता है, दुनिया में भी आखिरत में भी अल्लाह के सबसे ज़्यादा महबूब लोग वो हैं, मन बदा बिस्सलाम, जो अपने मुसलमान भाई से नाराज़ है, अपने रिश्तेदार से नाराज़ है, भाई से नाराज़ है, अज़ीज़ो अक़ारब से नाराज़ है। वो ये नहीं कहता गलती तुम्हारी है, मैं तुमसे सुलह क्यों करूँ, मैं पहल क्यों करूँ, वो जब आएगा मैं तब फैसला करूँगा सुलह करनी कि नहीं करनी। फरमाया अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब वो लोग हैं, मन बदा बिस्सलाम, जो सलाम में पहल करता है सुलह कर लेता है। अल्लाह की मोहब्बत हम चाहते हैं ना प्यारे भाई, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, मस्जिद के साथ तआवुन करते हैं, जो भी करते हैं, दिल में क्या होता है, अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए। तो फिर आज ये काम करें, जिससे नाराज़ हैं सलाम में पहल करें, सुलह करें, अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी। और क्या चाहिए, बड़ी ज़बान, हम अल्लाह अकबर, ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, सबसे बड़ी कामयाबी यही है, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए, सबसे बड़ी कामयाबी। पहले को भी इन्ना कल तसल्लु रहीम, इन्ना कल तसल्लु रहीम, सलफ सालहीन के नज़दीक, आइम्मा दीन के नज़दीक, जो अपने रिश्तेदारों से नाराज़ है, अपने अज़ीज़ो अक़ारब से नाराज़ है, बहन भाइयों से नाराज़ है, वो कहते हैं मलऊनुन, मलऊनुन,
वलव मा तफ़ी जो फिल काबा। हम कहते हैं फलां बंदा बड़ा खुशकिस्मत है यार, मस्जिद में सजदे में पड़ा हुआ तो उसे मौत आ गई, बड़ा खुशकिस्मत इंसान है। तहज्जुद के क़याम करते मौत आ गई, मस्जिद में वुज़ू करते मौत आ गई, बड़ा खुशकिस्मत इंसान है। और वहाँ क्या है, ये इस मस्जिद में नहीं, सहने बैतुल्ला में फोत होने वाला, सहने बैतुल्ला में फोत होने वाला, दिल में बुवस है, कीना है, नफरत है, रिश्तेदारों से नाराज़ है, अजीज़ोकारों से नाराज़ है, बहन भाइयों से नाराज़ है, दिल में से कदूरत है, नफरत है। सलफ़ सालहीन के नज़दीक मलऊनुन वलव मा तफ़ी जौफिल काबा, ये सहने बैतुल्ला में भी मर जाए, अल्लाह की लानतें बरसती हैं, रहमतें नहीं बरसती। अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नहीं मिली, ये पहली वही नाजिल हुई। सईदा खदीजा कहती हैं अल्लाह के पैगंबर आप में पांच खूबियां हैं, जिसमें ये पांच खूबियां हो अल्लाह उसे कभी ज़ाया नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर सुलों में बैल करने से आपकी इज्जत में फ़र्क आ जाए, मैं मोहम्मद कहता हूँ रोज़े माशर मुझसे ले लेना, गारंटी है रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल्ला, हो ही नहीं सकता, वल्लाही अल्लाह की कसम नहीं हो सकता, ला युख़्ज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। आगे फरमाती हैं खदीजा वो क्यों, फरमाया पहली खूबी इन्नका लतसलुर रहीम, आप रिश्तेदारियाँ जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं। वक्त की किल्लत वरना मैं इसी पे सारा जुमे का इतफा कर, दूसरी खूबी, दूसरी खूबी व तहमिलुल कल्ला, व तहमिलुल कल्ला, अल्लाह के पैगंबर आप में खूबी है आप दूसरों का बोझ उठा लेते हैं, दूसरों का बोझ उठा लेते हैं। और प्यारे भाइयों ज़िंदगी में कोई एक बंदे का बोझ उठा लो, किसी एक बंदे का, अल्लाह के पैगंबर की कफालत की सरदार अबू तालिब ने, अबू तालिब ने जब कफालत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जवान हो गए, फिर फरमाते हैं चचा अपना बेटा अली मुझे दो, मैं अब इसकी कफालत करना चाहता हूँ ताकि एहसान का बदला हो जाए। ऐसे ही हुआ, फिर सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली की खुद कफालत की है। वतहमिलुल कल्ला, किसी एक बच्चे की तालीम का खर्चा उठा लें, किसी एक बेवा खातून का महाना का राशन लगवा दें। वतहमिलुल कल्ला, कभी किसी पैदल चलते हुए शख्स के पाँव में जूता पहना दें। वतहमिलुल कल्ला, कभी किसी नापीने को उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दें। वतहमिलुल कल्ला, कभी किसी भूखे को खाना खिला दें, प्यासे को पानी पिला दें। वतहमिलुल कल्ला, कभी किसी भटके हुए को उसके रास्ते पे उसके मंजिल मकसूद तक पहुंचा दें। इसका नाम है दूसरों का बोझ उठाना। अल्लाह के पैगंबर आप में दूसरी खूबी ये है व तहमिलुल कल्ला, आप लोगों का बोझ उठाते हैं, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। और ये खूबियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने में नबूवत से पहले थी, बाद में नहीं। व तहमिलुल कल्ला, चूँकि आप दूसरों का बोझ उठाते हैं, आप भी अगर चाहते हैं कि अल्लाह हमें कभी भी ज़ाया ना करें, फिर दूसरों का बोझ उठाने वाले बने, दूसरों पे बोझ बनने वाले ना बने। प्यारे भाइयों, अपने मुलाजिमों का ख्याल, अपने पड़ोसियों का ख्याल, अपनी बहनों का ख्याल, जो आपके तहत हैं उनका ख्याल, इसका नाम है तहमिलुल कल्ला। तनख्वाह तो आपने देनी ही देनी है, आपका मुलाजिम है, आपके पास जॉब करता है, आपने सैलरी उसको देनी देनी है। अगर सैलरी के साथ आप कभी 1000-2000 एक्स्ट्रा देते हैं तो ये होता है कि उसको जो खुशी मिलती है इसका नाम तहमिलुल कल्ला है। आप किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, आप भूखे को खाना खिलाते हैं, सर्दियाँ आ चुकी हैं, आप किसी मोहताज इंसान को, फ़कीर को जो चलता है उसके पास पहनने को जर्सी नहीं, उसे आप जर्सी पहनाती हैं, इसका नाम तहमिलुल कल्ला है, जिसमें ये खूबी मौजूद है अल्लाह उसे कभी ज़ाया नहीं करता। पैगाम है रबीउल अव्वल का, कि रसूलुल्लाह का मिशन अपनाएं,
رسول اللہ کی زندگی اپنائے, ان کے لیل و نہار کو دیکھے, ان کے معاملات کو دیکھے, حقوق العباد میں اپنے آپ کو پاک صاف کر لے, اللہ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. تیسری خوبی جو سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ کو بتائی کہ آپ میں یہ خوبی ہے جس میں یہ خوبیاں ہوں اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. پہلی کیا تھی؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِيمِ. آپ صلح رحمی کرتی ہیں, رشتے داروں سے صلح کرتی ہیں, رشتے داریاں جوڑتی ہیں, لوگوں کو صلح کرواتی ہیں, صلح کو پسند کرتی ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُقْرِئُ الصَّحِيفَ. تیسری خوبی فرمایا اللہ کے پیغمبر آپ مہمان کی بڑی عزت کرتے ہیں, اللہ آپ کو ضائع کر ہی نہیں سکتا. مہمان کی عزت. صحیح البخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. نام کے سارے مومن ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کی نماز کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ میری نماز کا آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ کے روزے کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ آپ کے حج کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ اصل معاملہ معاشرتی معاملات ہیں, آداب کے معاملات ہیں. پتہ چلنا چاہیے آپ کا باپ سے رویہ کیسا ہے, ماں سے آپ کا کیا سلوک ہے, پڑوسی آپ سے تنگ ہے یا خوش ہے, آپ کی بہنیں آپ سے خوش ہیں یا پریشان ہیں, مسجد کا نمازی آپ سے تنگ ہے یا نہیں ہے. اللہ نے قیامت کو یہ چیزیں معاف نہیں کرنی. نماز میں کمی رہے گی کوئی بات نہیں, اللہ معاف کر دے گا, غفور الرحیم ہے. حج کی ہے کسی رکن میں غفلت رہے گی اللہ معاف کر دے گا, کوئی بات نہیں. لیکن حقوق العباد میں معاملات میں اللہ نے بندوں کو بندوں پہ چھوڑا ہے, بندہ معاف کرے گا تو معاف ہوگا. وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ. اللہ کے پیغمبر آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں. جو مہمان کی عزت کرتا ہے, مہمان کی تکریم کرتا ہے, اللہ سے ضائع نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات لا خیر فی من لا یضیف. معیار ہے آپ نے رشتہ کرنا ہے بیٹی کا بیٹے کا, آپ نے کسی کے ساتھ دوستی کا حال بڑھانا ہے, آپ نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ پہ بزنس کرنا ہے, آپ نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے. اللہ کے پیغمبر نے معیار بتا دیا ہے کہ لا خیر فی من لا یضیف. میرے صحابہ, جس بندے میں مہمان نوازی نہیں ہے وہ بندہ بلا نہیں ہے, اس سے کبھی اچھائی کی امید نہ رکھنا, کبھی اچھائی کی امید نہیں. جو مہمان نوازی, اچھا مہمان نوازی سے مراد کیا ہے کہ یہ کھانے وانے کھلا دو یہ مہمان نوازی ہے؟ نہیں. مہمان کو کس طرح رسیو کرنا ہے, کس طرح اسے بٹھانا ہے, کس طرح اس کو خوش آمدید کرنا ہے, کس طرح اس کے معاملات کو دیکھنا ہے, کس طرح اس کی مدد کرنا ہے, اس کے مصیبت میں کام آنا ہے. لا خیر فی من لا یضیف. جو مہمان نواز نہیں ہے اس میں کوئی بلائی نہیں ہے, اچھائی کی اسے امید رکھا ہی نہ, رسول اللہ نے فرما دی ہے. کوئی اچھائی نہیں, کوئی بلائی ہے ہی نہیں جو مہمان نواز نہیں ہے. وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ. تیسری خوبی کیا فرمائی؟ آپ مہمان کی عزت کرتے ہیں. اچھا, اللہ کے پیغمبر کے گھر میں کبھی مہمان آیا ہو اور کچھ کھائے بغیر چلا گیا ہو ہی نہیں سکتا. نبی علیہ السلام نے تکلف سے منع کیا ہے, تکلف کی اجازت نہیں دی. میں یہ نہیں کہتا آپ ایک مہمان کے لیے 10-10 ڈشز بنائے تو ہی مہمان نوازی, نہیں. گھر میں جو ہے, مہمان آ گیا مسجد نبوی کے اندر, کھانا کھلانا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی 9 کی 9 بیویوں کو پیغام بھیجا, گھر میں کچھ ہے؟ نہیں ہے. کسی کے گھر میں کچھ, یہ نہیں کہا فلاں سے وہ بھی لے آؤ وہ, نہیں. گھر میں کچھ ہے کہ نہیں؟ کسی کے گھر میں نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر نے مسجد نبوی میں اعلان کر دیا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے. پیارے بھائی, یہی کام کرنے والے ہیں. رسول اللہ کا مشن اپنائیں, آج سلو کریں رسول اللہ کی محبت میں, آج لوگوں کا بوجھ اٹھائیں رسول اللہ کی محبت میں, بھوکے کو کھانا کھلائیں, پیاسے کو پانی پلائیں, ننگے پاؤں چلنے والے کو جوتا پہنائیں, کسی غریب کو لباس پہنائیں, کسی بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھائیں, رسول اللہ کی محبت میں کریں. اس کا نام ہے, اس کا نام ہے
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलीमा पढ़ के उसका हक अदा करें, आप अल्लाह के मकरूर हैं कलमा पढ़ने के बाद। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह एग्रीमेंट है अल्लाह के साथ, अल्लाह आज के बाद मेरे मामलात, मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरे पांव, मेरा माल, मेरी हर चीज़, मेरी ज़ुबान तेरी शरीयत के ताबे, तेरे हुक्म के ताबे है। अल्लाह जो मैं करूँगा बस वो करूँगा जो तुमने कह दिया, तेरे रसूल ने कह दिया है, इसके बाहर मेरा मेरी ज़िंदगी पे कोई इख्तियार नहीं है, तुमने मुझे खरीद लिया है, मैंने अपने आप से बेच दिया है, अल्लाह आज के बाद जो तू कहेगा मैं वो करूँगा, ये एग्रीमेंट है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने के बाद। वतुकरी और ज़ईफ, अल्लाह के पैगंबर आप मेहमान की इज्जत करते हैं, मैं बता रहा था मस्जिद नबवी में ऐलान कर दिया आका ने, हाँ भाई मेरे मेहमान को कोई खाना खिलाएगा, खाली नहीं जाने देगा, कोई खाना खिलाएगा और तकल्लुफ भी नहीं करना, तकल्लुफ भी नहीं करना, घर में क्या है वो सामने रख देगा। एक सहाबी रसूल को ख्वाहिश हुई, अल्लाह के पैगंबर का मेहमान है, बड़ी सआदत की बात है अगर मैं ले जाऊँ तो, पता उसे भी नहीं था मेरे घर में कुछ नहीं, आका मैं ले जाऊँ, मैं तुम ले जाऊँ, ये साथ ले गया अपने घर में, मरूफ वाकया है, बताने की ज़रूरत नहीं है किस तरह से उसने लैंप बंद किया, किस तरह से खाना खिलाया, बता ये रहा था कि मेहमान आए और कुछ खाए बगैर चला जाए, रसूलुल्लाह का यह मामूल ही नहीं था। पांच खूबियाँ, इन नकल तसिल रहीम, जो रिश्तेदारों से सुलूक करता है, सुलूक करवाता है, सुलूक को पसंद करता है, उसका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाता है, अल्लाह उसे कभी रुसवा नहीं करता किसी मैदान में, बिजनेस के मैदान में कारोबार करना है, मामलात करने हैं, रिश्तेदारी करनी है, आप में ये पांच खूबियाँ होनी चाहिए, और पांच खूबियाँ अगर किसी बंदे में देख के आप दोस्ती का या रिश्तेदारी का हाल बढ़ाते हैं, आप समझ लें ये मयार है, जिसने ये मयार पूरा कर लिया समझो कामयाब हो गया। अगले बंदे में ही ना देखिए ना, अपने में भी देख लें हमें भी है कि नहीं है, हमारा ये होता है कि हमेशा हमारी नज़र दूसरे बंदे पर होती है, उसमें ये खूबी है कि नहीं, भैया खुद की इस्लाह, मैं अपनी आप अपनी इस्लाह करें, मैं समझता हूँ अगर मैं अपना आप ठीक कर लूँ तो मुआशरे से एक करप्ट इंसान की कमी हो सकती है, और एक करप्ट इंसान की कमी होना बहुत बड़ा चेंज है। हम छोड़ दें दूसरे को फिलहाल, हम अपने आप को चेंज करें, मुझे कैसे जिंदगी बसर करनी चाहिए, मुझे पैदा करके मेरे लिए जो अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया इंस्ट्रक्शन बुक के, सारी जिंदगी मेरी इसके मुताबिक चलनी चाहिए, ये है अल्लाह से किया हुआ एग्रीमेंट, उसकी तकमील। व तो इन आला नवाए बिलहक, इन्नक लतसिलुर्रहीम व तहमिलुल कल्ला व तुक्सिबुल मादूम व तुकरीउल ज़ईफ, चौथी को भी व तुक्सिबुल मादूम, अल्लाह के पैगंबर आप कमाते हैं और दूसरों पे लगाते हैं, आप कमाते हैं और अब तो बोले आप कमाते हैं और दूसरों पे लगाते हैं, ये खूबी जिस बंदे में अल्लाह से कभी ज़ाया नहीं करता। अच्छा आपने कभी गौर किया है, हदीसे पाक में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ, मैं अल्लाह की कसम उठ, कौन कह रहा है, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, नबी इस्लाम वैसे भी बात करते हैं तो अल्लाह के पैगंबर की बात में गलत बयानी का शक करना भी कुफर है, हो ही नहीं सकता कि अल्लाह जिस नबी की सारी ज़िंदगी की कसम उठा रहा है, लामरू का तेरी ज़िंदगी की कसम है, वह नबी कभी झूठ नहीं बोल सकता। 40 साल मक्का मुअज़्ज़मा में गुजारे और फिर अपना मौजज़ा क्या पेश किया, कल लबिस्तु फीकुम उमरा मिन कबली, मैंने तुम में 40 साल गुजारे, बताओ मैं कैसा हूं, उन्होंने कहा तुम बहुत अच्छे हो, फरमाया भी मेरा मिशन ये है। भाइयों गौर कीजिए, टाइम गुजर चुका है। वह तुक्सिबुल मादूम, कमाया जाए फिर दूसरों पर लगाया जाए, ये खूबी रसूलुल्लाह में थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको अपनाएं, इसको अपनाएं, अल्लाह के पैगंबर के मिशन को अपनाएं, इसका नाम है असल में हमने कलीमे का हक अदा किया,
इसका नाम है मोहब्बत रसूल, इसका नाम है अल्लाह के पैगंबर से मोहब्बत है। तो ये पांच खूबियाँ करें ना, आज जाकर सुनो रिश्तेदारों से, मनाएं उसको रूठे हुए को, कोई बात नहीं। वरना याद रखें, कौन से अमाल, कौन सी नमाजें, कौन से बैतुल्ला के तवाफ, कौन से आपके हज, कौन से आपके सत्ता खेरात, उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, जो रिश्तेदारों से नाराज है अल्लाह के उन पर लानते बरसती है, रहमतें नहीं बरसती। वतुक्सिबुल मादून, अल्लाह के पैगंबर आप में चौथी खूबी ये है कि आप खुद कमाते हैं और दूसरों पे लगा देते हैं। वतुईनु अला नवाई बिल हक, वतुईनु अला नवाई बिल हक, आप लोगों को ढूंढते हैं, बेबसों को, बेकसों को तलाश करते हैं और आप उनकी मदद करते हैं। प्यारे भाइयों, अल्लाह के पैगंबर की खूबी थी, नबी इस्लाम मदीना मुनव्वरा के बाहर भी अगर इत्तला मिल जाती ना कि फलां शख्स बीमार है, अल्लाह के पैगंबर उसकी इयादत करने ज़रूर जाते। आखिरी बात समाप्त फरमा दें, इयादत करने ज़रूर जाते। आज हर बंदा अपने अंदाज में जश्न मना रहा है। प्यारे भाइयों, आज वक्त निकालें किसी एक मुसलमान भाई की इयादत करके रसूलुल्लाह की सुन्नत को लाजमी अपनाएं, पूरा करें। पता क्या होगा, ये सिलसिला हदीस सहीह में सही रवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मरीज की तीमारदारी करता है, जो बंदा मरीज की तीमारदारी करता है, मैंने बताया ना अल्लाह के पैगंबर मदीना मुनव्वरा से बाहर भी कोई बीमार होता तो उसकी भी तीमारदारी करने पहुंच जाते। आखिरी बात समाज फरमाना, जो बंदा किसी मरीज की तीमारदारी करता है, आगा फरमाते हैं ये तीमारदारी करने के लिए घर से निकलता है, ये उस मरीज के घर तक पहुंचता है, हकीकत में ये अब्दुल्ला गार्डन की गलियों में फिर रहा है ना, लेकिन फरमाया असल में वो जन्नत की क्यारियों में फिर रहा है, जन्नत की क्यारियाँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक ये मरीज के पास बैठा रहता है तब तक के लिए इसे अल्लाह की रहमत ढांप लेती है, अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। फिर नबी सल्लम ने फरमाया, रवायत ना हो मैं जिम्मेदार, बिल्कुल सही रवायत, सिलसिला अहदीसे सहीह, आगा फरमाते हैं जो बंदा सुबह किसी मरीज की इयादत करता है, सुबह हम कहते हैं कि अपने बाप से दुआ करवा लें, अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता, बाप की औलाद के हक में की हुई दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, ये सही रवायत है, अल्लाह रद्द नहीं करता। हम मस्जिद में आते हैं, जैसा दुआ कर दो मेरे मामला बड़े बिगड़ गए ने, तो आप मेरी दुआ कर दें। दुआ के लिए हम बंदे तलाश करते हैं, कोई नेक बंदा मिल जाए, कैसा ही खुशकिस्मत इंसान है जिसके लिए अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह से हाथ उठा के उसके लिए रहमत की दुआ करता है, बड़ी खुशकिस्मती कि फरिश्ते तमाम गुनाहों से पाक हैं, वो जब आपके लिए दुआ करेंगे अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करेगा। आगे फरमाते, जब सुबह अपने किसी मुसलमान भाई की तीमारदारी करता है, इयादत करता है, शाम तक के लिए 70,000 फरिश्ते उसके लिए अल्लाह से रहमत की दुआएं करते ही रहते हैं, सुबह से शाम तक। फरमाया जो शाम को मरीज की इयादत करता है, सुबह तक के लिए अल्लाह के 70,000 फरिश्ते इसके लिए अल्लाह से रहमत की दुआ करते हैं। मैं अपने सारे खुतबों का खुलासा बयान करना चाहता हूँ। प्यारे भाइयों, रबीउल अव्वल है, हर बंदा रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपने अपने अंदाज में इजहार करता है। मैं कहता हूँ ये पांच खूबियाँ अल्लाह के पैगंबर में मौजूद थी, ये पांच खूबियाँ बना लें, अल्लाह आपको किसी मैदान में कभी ज़ाया नहीं करेगा। मसाइल आएंगे, परेशानियाँ आएंगी, दुश्वारियाँ आएंगी, अल्लाह आपके लिए निकलने के रास्ते में निकाल देगा। पहली खूबी इन्नकल दसल रहम, सिला रहमी करें, दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करें, रिश्तेदारियाँ जोड़ें, तोड़ें नहीं, रिश्तेदारियाँ जोड़ें। आपकी नाराज़ है, आपकी बहन नाराज़ है, भाई नाराज़ है, रिश्तेदार नाराज़ है, चचा नाराज़ हैं, वालदैन नाराज़ हैं, उनको मना लें, आज मनाएं। और आपने ये सोचना है कि मैं ये काम रसूलुल्लाह की मोहब्बत में कर रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काम मैं रसूलुल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह आपको रसूलुल्लाह से मोहब्बत का भी अजर देगा, सुलह करने का भी अजर देगा।
पहला काम हम सुलह करेंगे ताकि रसूलुल्लाह की मोहब्बत का हक अदा हो जाए। दूसरा काम वह तहमिलुल कल्ला, हम फैसला करेंगे आज हमने किस नंगे पांव चलते शख्स को जूता पहनाना है, किस शख्स को सूट चाहिए उसको लिबास लेके देना है। हम फैसला करें हम किसी एक बच्चे की रिश्तेदारों में से, ख़ानदान में से, मोहल्ले में से एक बच्चे की महाना की स्कूल का फीस का ख़र्चा उठाएंगे। वह तहमिलुल कल्ला, हम फैसला करें किसी बेवा औरत के घर में महाना का राशन डलवाएंगे। हम फैसला करें वह तहमिलुल कल्ला, हम रोज़ाना किसी भूखे को खाना खिलाएंगे, प्यासे को पानी पिलाएंगे, नंगे पाँव चलते हुए शख्स को जूता पहनाएंगे, हम नबीने को उसकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाएँगे, हम भटके हुए शख्स को हदायत उसके मंजिल पर पहुँचाएँगे, रास्ता दिखाएँगे। इसका नाम है तहमिलुल कल्ला। दूसरी खूबी पहली थी हम सुलह करेंगे, दूसरी खूबी ये है हम किसी ना किसी का बोझ ज़रूर उठाएंगे ताकि अल्लाह हमें किसी मैदान में ज़ाया ना करे। तीसरी खूबी वह तुकसिबुल मादूम, हम कमाएँगे लेकिन किसके लिए? दूसरों के लिए। हम कमाएँगे किसके लिए? इसका मतलब ये नहीं अपनी फैमिली को डिस्टर्ब कर दो, नहीं, बेहतरीन ख़र्चा रसूलुल्लाह ने फरमाया अपनी फैमिली पे खर्च करना बेहतरीन सदका है, अपने ख़ानदान पे खर्च करना बेहतरीन सदका है। बल्कि मैं एक रवायत में पढ़ रहा था, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया जो बंदा सदका करता है अल्लाह उसे सदके का अजर देता है, और फरमाया जो बंदा अपने किसी रिश्तेदार पे खर्च करता है अल्लाह उसे दो गुना अजर देता है। मैं बात कर रहा था अल्लाह के पैगंबर ने कसम उठा के कहा, अल्लाह की कसम उठा के मैं कहता हूँ, ये रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि खर्च करने से माल कम नहीं होता, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, उनका मिशन है, इसको अपनाएं। वह तुकसिबुल मादूम वह तुकरी उल ज़ईफ, चौथी खूबी मेहमान की तकरीम करें, उसकी मेहमान नवाजी करें, उसकी इज्जत करें। यह बात नहीं है मेहमान पास बैठा है खाने के अंबार है, दिल में भुगत है, दिल में नफरत है, दिल में कीन है, दिल में कदूरती है, वो उठ के जाता है पीछे से कहते हैं आ गया मेरे को आज हैं गल करने वास्ते, मैंने जानता नहीं बुलाया की चीज़ थी, ये मेहमान की इज्जत है क्या? अल्लाह हमारी नीयत को जानता नहीं है? आप किसे धोखा देते हैं? हम उस मेहमान को धोखा दे सकते हैं, उसकी आंखों में मट्टी डाल सकते हैं, हम अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। वह अलीम बिज़ात सुदूर है, वह जानता है हम क्या सोचते हैं, वह जानता है हम क्या करते हैं। इसलिए मेहमान की इज्जत इस चीज़ का नाम है जब वो आ जाए खंदा पेशानी से मिले, मामला साफ करें, अपने दिल को कदूरत से नफरत से साफ करें और उसे कहें भाई तुम आए हो जिस काम से भी आए हो तुम्हारा आना मुबारक हो, इंशाल्लाह मैं तुम्हारा किसी भी काम में साथ देने से पीछे नहीं आऊँगा। वह तुकरी उल ज़ईफ, मेहमान की इज्जत इसमें है कि जब वो आए आपका दिल उसके मुतल्लिक साफ हो जाए और क्या सोच के कि मैं रसूलुल्लाह की मोहब्बत में उनकी तालीमात पर अमल करके मैं इसको माफ़ करता हूँ। हर चीज़ का मियार रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। और आखिरी बात वह तोइन वाला नवाई बिल हक, लोगों को तलाश करें, ढूंढें बेबसों को, बेकसों को, बेचारों को तलाश करें। हमें अपने पड़ोसी की खबर नहीं होती, अपने भाई का तलाश करना है। तलाश करें, तलाश करने के बाद उन पर खर्च करें। अल्लाह हमें रसूलुल्लाह की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये एक भाई हैं, ये उन्होंने अपने हमशीरा का अगर निकाह करना है तो मजदूरी करते हैं, जमाती भाई हैं। आप इनसे हसब तौफीक जितना कर सके तामन जरूर कीजिए, अल्लाह आपके तामन कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐलान समाज फरमा लें कि आज 12 रबीउल अव्वल बाद माद ईशा अल हरमैन इस्लामिक सेंटर गुलशन हरम फेज़ वन में कारी मोहम्मद यकूब साहब फैसलाबादी, कारी अब्दुल हफीज साहब, महमूद अहमद सियाज साहब और नजीम कारी यकूब साहब खिताब फरमाएंगे इंशाल्लाह। कारी मोहम्मद यकूब साहब फैसलाबादी खिताब फरमाएंगे अपने मरकज़ में गुलशन हरम में। आप साथ ही वहाँ पहुँचने की